डायबिटीज के मरीजों में इस लो ग्लूकोज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम डायबिटीज का इलाज करते हैं तो हम चाहते हैं शुगर नॉर्मल लेवल पे आ जाए। अगर शुगर नॉर्मल या 80 से नीचे चली जाती है तो उसको लो शुगर कहते हैं, या हाइपोग्लाइसीमिया, या शॉर्ट में हाइपो। शुगर लो होने से दिमाग को शुगर की सप्लाई कम हो जाती है और इसके बहुत ही सीरियस परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि बेहोशी आना या झटके आना, या अगर हम सही समय पर इलाज नहीं करें तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए लो शुगर को समय रहते ट्रीट करना ज़रूरी है। हम कैसे पहचानेंगे कि शुगर ज़रूरत से ज़्यादा लो हो गई है? अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, हाथ कांप रहे हैं, ये सारे लक्षण हैं कि शुगर शायद 70 के नीचे है। तुरंत अगर शुगर चेक करने की सुविधा है तो शुगर चेक कर लीजिए, नहीं तो कुछ मीठा, कितनी मीठा, 3 चम्मच चीनी या 15 ml फ्रूट जूस या थोड़े सा गुड़ या 2 चम्मच शहद, जो मीठा अवेलेबल है वो ले लें। सावधानी रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ की ऐसी कोई दवा चल रही है जैसे कि इंसुलिन या सल्फोनिल्यूरिया, जिससे लो शुगर होने की संभावना है, तो अपने साथ हमेशा कुछ खाने की वस्तु साथ में रखें या ग्लूकोज की गोलियाँ साथ में रखें। इससे आप समय रहते लो शुगर का इलाज कर सकते हैं और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया या सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया से बच सकते हैं। आज हम जेस्टेशनल डायबिटीज या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है फिर भी ये संभावना होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी शुगर बढ़ जाए, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन का असर कम होने लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन बनते हैं जो इंसुलिन को काम नहीं करने देते, तो 3rd, 4th, 5th महीने के बाद शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान शुगर चेक कराएं और उसे कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा रहती है तो उससे बच्चे में और माँ में दोनों में ही कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ये है कि बच्चे का साइज़ बढ़ सकता है, तो डिलीवरी के दौरान दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे में लो शुगर या सांस लेने की परेशानी हो, मदर में प्री एक्लेम्सिया या हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी हो सकती है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हुई है और शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो बच्चे में आगे चल के डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। 18-20 साल की उम्र में ही ये रिस्क 10-15% हो जाता है। मदर में भी आगे चल के डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो शुगर अगर हम प्रेगनेंसी में कंट्रोल करते हैं तो हम मदर में और बच्चे में, माँ और बच्चे दोनों में आगे चल के डायबिटीज़ होने की संभावना को कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में कभी कभी पैरों में अल्सर या उसके परिणाम स्वरूप एम्प्यूटेशन या पैर काटने की भी नौबत आ जाती है, और इससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है अगर आप सही समय पर पैरों की देखभाल करें। पैरों में अल्सर होने का कारण होता है पैरों में नसों की खराबी की वजह से कम महसूस होना या पैर सुन्न हो जाना। अगर आप अपनी शुगर हमेशा शुरुआत से ही, जब डायबिटीज़ मालूम पड़ती है उसी समय से सावधानी रखें और शुगर कंट्रोल रखें, तो ये परेशानी आपको कभी नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि आप अपनी शुगर अच्छी तरह कंट्रोल रखें। समझ लीजिए पैरों की नसों पे असर हो गया है, तो फिर ध्यान रखें कि पैरों में कुछ चोट ना लगने पाए, घाव ना होने पाए। हमेशा पैरों में चप्पल या जूते पहन के रखने हैं। चप्पल या जूते कहीं पे काटे नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए सही साइज़ के जूते पहनने हैं, और रोज़ पैरों की एक बार जांच कर लेनी है कि कहीं जूते काट तो नहीं रहे हैं, कहीं लाल रंग या कहीं इन्फ्लेमेशन के कोई साइंस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर्दी के मौसम में पैरों को आग के सामने तापना नहीं है, मोजे पहन लें, गर्म जुराबे पहन लें और कंबल में पैर रखें। लेकिन कभी कभी अगर आप आग के सामने तापते हैं तो पैरों में हो सकता है कि आपको जल जाए और आपको महसूस ना हो, तो ये थोड़ी सी सावधानियों से आप पैरों में घाव से बच सकते हैं।
नाखून काटने वक्त भी विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि कभी कभी नाखून काटते वक्त पैरों में घाव हो जाता है और वो रातों रात बढ़ सकता है। तो दो तीन चीजें ये आप ध्यान रखिए ताकि पैरों में कभी भी घाव ना होने पाए। आज हम बात करेंगे कि हम डायबिटीज की समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। यदि आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आपकी शुगर ज्यादा रहती है लंबे समय तक, तो भविष्य में जाके गुर्दे पे, आंखों पे, पैरों पे या दिल पर उसका खराब असर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम शुगर कंट्रोल में रखें तो हम गुर्दे को, आंखों को और पैरों को खराब होने से बचा सकते हैं। शुगर को नापने का एक तरीका है, हम 3 महीने की औसत शुगर जानने के लिए एक टेस्ट करते हैं HbA1c, और अगर HbA1c 7% है या उससे कम है तो हमारे आगे चल के ऑर्गन्स में खराबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर केवल शुगर या A1C कंट्रोल करके हम दिल की बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखें। ये भी ज़रूरी है कि हम खाने पीने पे ध्यान दें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं, फल, सब्जी और नट्स की मात्रा खाने में उपयुक्त रखें और एक बैलेंस्ड संतुलित भोजन का उपयोग करें। ये भी ज़रूरी है कि हम नियमित कसरत करें और बीड़ी और सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करें। इस तरह आप एक लंबा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।